नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइन नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। शाहजहांपुर जनपद के अलीगंज थाने गेट पर अनशन पर बैठना एक बुजुर्ग और नाबालिग किशोरी को महंगा पड़ गया है। पुलिस ने शांति भंग में मुकदमा दर्ज कर अनशन समाप्त कराया है। मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद के थाना अलीगंज परिसर का है, जहां मंगलवार को नगर अलीगंज के मोहल्ला बागिया निवासी रमेश कुमार शर्मा व उनकी पोत्री पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमे दर्ज कर फंसाए जाने का आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिससे क्षेत्र में पुलिस के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया और लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाने लगे। वहीं मंगलवार की शाम क्षेत्राधिकारी मस्सा सिंह बुजुर्ग को अनशन समाप्त करने के लिए पहुंचे और कहा कि बेवजह पुलिस पर मुकदमे खत्म करने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि मुकदमे कोर्ट में विचाराधीन है और मुकदमे समाप्त करना कोर्ट का काम है। इसके बाद अनशन समाप्त न करने पर पुलिस ने समझा बुझाकर बुजुर्ग व उसकी पुत्री का अनशन समाप्त करा दिया। क्या समस्या आपकी? हमारे ऊपर फर्जी 5 मुकदमे, 2 लड़के पर, 7 मुकदमे मेरे परिवार पर, और मैं भूमिहीन आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ। आज तक कोई भी क्षेत्र का आदमी अगर कोई ये कह दे कि दोषी या ऐसे हैं, मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो आप थाने जो गेट पे बैठे हैं यहाँ धरना के लिए, तो यहाँ तो कोई अधिकारी ही नहीं, यहाँ बैठे कोई अधिकारी आए या ना आए, मैं अपने प्राणों की आहुति लगा दूंगा, लेकिन पीछे हटने वाला नहीं हूँ। किस बात के लिए? जब तक निर्णय नहीं होगा, हमारी समस्या का हल नहीं होगा। मेरी बेटी के साथ बहुत गलत बदतमीजी पुलिस बारे बोल के गए। कौन हमारे सामने बैठी, मैंने इसको मना भी किया, बेटी तुम मत बैठो, कि पापा तुम तो नहीं थे, लेकिन मेरे भाई बोला मैं अपनी समस्या बोल। कौन गया था पुलिस वाला? ये तो हम तो जानते नहीं, इतना पहचानते नहीं, रात में गए थे। कब? करीब हो गए 3-4 साल हो गए। नहीं, बदतमीजी कब लड़की के साथ की गई? लड़की के साथ ये बोला कब? बदतमीजी वाली घटना कब की है? ये 4 साल पहले। पापा को पकड़ने आए थे, उससे पहले भी आए थे। तो आज जो बैठने का मकसद है वो किस तरीके से, मतलब कोई हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, मैं प्राणों की आहुति दे दूंगा, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। मैं बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरी जंग बहुत कड़ी है। फर्जी मुकदमा लिख देता? फर्जी मुकदमा, सब फर्जी मुकदमा। शासन के लिए हमें दो साबित कर दिया है, मैं झूले झूलने के लिए। आपको उच्च अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए था इसके लिए? डीएम के पास मैं गया हूँ और पुलिस कप्तान को मैं अपना ज्ञापन दे के आया। अच्छा, वहाँ भी कोई सुनवाई वगैरह? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ कहाँ मुकदमे लिखे गए, कब लिखे गए? ये 4 शीट में मंगा सकता हूँ, रखी हुई है, एक दो और तो नहीं निकाल के लाए थे। तो पहला मुकदमा जो है करीब 10 साल या 11 साल हुई होगी, मिर्ज़ापुर से स्टार्टिंग हुई है। मिर्ज़ापुर से हमको मुकदमा लगाया, मैंने कहा मैं अपने मौसा के यहाँ जा रहा था, मेरे मौसा खत्म हो गए थे, रास्ते से पुलिस ने हमको पकड़ कर सामान लगा कर हमको फैक्ट्री गए थे, तमंचा हाथ में सजाया। हमने कहा ये क्या कर रहे हो, ये तमंचा कहाँ थी? उस टाइम पर वो CO भी गया, SP भी गया, SP ने दरोगा को फटकार लगाई कि इसको किस केस में पकड़ के लाया, क्या लगा करके भेजोगे, और जब वो इसी तरीके से जब बोलेगा फिर आप कैसे बचेंगे। इन्होंने पास तो आपने उस समय आवाज़ नहीं उठाई, इस समय आवाज़ उठा रहा, मतलब उस समय हमको जानकारी नहीं थी। तो इस समय क्या कोई नई घटना वगैरह हुई है उन्हीं केसों को लेकर के? हम उन्हीं केसों के लिए और लड़के के करीब दो केस किसने लगवाया? केस पुलिस ने ही लगा, किसी ने लगवाया नहीं। मेरे काट के औजार वो भी ले गए, कुल्हाड़ी भी इसी थाने में है, और वो क्या, चलो नाम क्या मंचा मंचा? नाम क्या है आपका? रमेश कुमार। अच्छा, कहाँ रहते हैं? हम यहाँ बगिया मोहल्ला। ठीक, उम्र कितनी हो गया? 72। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।